नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो में Vivo T3X के साथ Poco X6 के कैमरा कंपैरिजन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमने यहाँ पर दोनों डिवाइस के साथ ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है, वीडियो को रिकॉर्ड किया है, देखते किस तरह से यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलेगा। सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर Vivo T3X के साथ जो है 50 मेगापिक्सल का जो है मेन कैमरा देखने को मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का जो है सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट में जो है 8 मेगापिक्सल का जो है कैमरा देखने को मिलता है। Poco X6 के साथ जो है 64 मेगापिक्सल का जो है मेन कैमरा देखने को मिलेगा विथ OIS। यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का जो है मैक्रो है विथ ऑटो फोकस एंड फ्रंट में जो है 16 मेगापिक्सल का जो है कैमरा देखने को मिल जाएगा। Poco X6 के साथ जो है 2x इन सेंसर जूम का जो फीचर से देखने को मिलेगा, लॉसलेस जूम का जो फीचर से देखने को मिल जाएगा Poco X6 के साथ, जिसमें आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा 2x में जूम करने के बाद। इसके साथ साथ यहाँ पर Poco X6 के साथ आप जो है 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। Vivo T3X के साथ भी 4K 30 FPS का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा, बट सिर्फ 8GB रैम के साथ ही जो है 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। हमारे पास जो है 4GB रैम वाला डिवाइस है, इसलिए जो है 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कैमरा UI के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है एंड इसके रिलेटेड भी हमने वीडियो को अपलोड किया है। एनीवे, अभी फिलहाल बात कर लेते यहाँ पर फोटो सैंपल के बारे में। तो हमने यहाँ पर ढेर सारी फोटो क्लिक किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं फोटो के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर डिफरेंट डेट में जो है फोटो क्लिक किया है, इसलिए जो है यहाँ पर जो कलर है इसके साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। सेम प्लेस में दोनों फोटो को हमने क्लिक किया है, एक में जो है वार्म टोन देखने को मिल रहा है, दूसरे में जो है कूल टोन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर Vivo एंड Poco दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर कलर देखने को मिलता है फोटो के साथ, डिफरेंट जो है यहाँ पर कलर प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान में देना होगा। तो सेम प्लेस में अलग अलग दिन में हमने फोटो क्लिक किया है डिफरेंट टाइम में एंड एक में जो है वार्म टोन है, दूसरे में जो है कूल टोन है एंड देख ही सकते हो। एंड सभी फोटो के साथ जो है ऑलमोस्ट आप सेम चीज़ को नोटिस करोगे, जो Vivo जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर वाइब्रेंट फोटो को क्लिक करेगा एंड ज़्यादा जो है सैचुरेट नहीं करता है, बट जो Poco X6 है फोटो को जो है ज़्यादा जो है सैचुरेट कर देता है एंड यहाँ पर जो है ज़्यादा ही जो है यहाँ पर कलर देखने को मिलता है फोटो के साथ। एंड यहाँ पर और एक डिफरेंस है, जो Poco X6 है इसमें जो है AMOLED डिस्प्ले है एंड जो Vivo T3X है इसमें जो है LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसलिए शायद यहाँ पर कलर जो है डिफरेंट हो सकता है। बट दोनों डिवाइस जो है काफ़ी हद तक वाइब्रेंट फोटो क्लिक करते हैं, काफ़ी सैचुरेट फोटो क्लिक करता है, सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक करता है, ब्राइट फोटो क्लिक करता है। बट मेन जो यहाँ पर डिफरेंस है यहाँ पर जो Vivo है इसका जो कलर है एंड जो ओवरऑल जो फोटो क्वालिटी हमने नोटिस किया है वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू Poco X6, क्योंकि व्यू फाइंडर में Poco X6 को फोटो क्लिक करने से पहले डिफरेंट देखने को मिलता है एंड फोटो क्लिक होने के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट Vivo T3X में हमें जो है काफ़ी सही जो है यहाँ पर फोटो क्वालिटी देखने को मिल गया है। हमने ये चीज़ नोटिस किया है दोनों डिवाइस के साथ ही जो है डे लाइट में आप बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो, इवन वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, बट अगर आप लो लाइट में फोटो क्लिक करोगे, वीडियो को रिकॉर्ड करोगे, तो आपको जो है यहाँ पर नॉइज़ देखने को मिलेगा एंड इतना अच्छा जो है फोटो क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है लो लाइट में स्पेशली। तो यहाँ पर जो है अगर बात करें जूम के बारे में, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो Poco X6 डिवाइस है इसमें जो जूम वगैरह है काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर 2x लॉसलेस जूम देखने को मिल जाएगा। इसके साथ भी हमने ढेर सारी फोटो क्लिक किया है एंड फोटो में जो है जूम करने के बाद भी जो डिटेल्स वगैरह है, जो शेडो वगैरह है, हाईलाइट वगैरह है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इवन जो है यहाँ पर वीडियो भी हमने रिकॉर्ड किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी जो क्वालिटी वगैरह है, जो लाइट बैलेंस है, काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। इवन वीडियो में भी आप जो है 10x तक जूम कर सकते हो, उसके बाद भी सही क्वालिटी देखने को मिल गया है, तो यहाँ पर इशू वगैरह नहीं है, सही से यहाँ पर काम कर रहा है। एंड मेन जो है यहाँ पर कलर डिफरेंस देख सकते हो, सेम प्लेस में सेम फोटो हमने यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट
यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जो पोको X6 है इसमें जो आपको ज़्यादा अच्छा जो है ब्लर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू वीवो T3X। तो यहाँ पर पोको X6 के साथ जो है F1.79 अपर्चर देखने को मिलता है, इसलिए शायद आपको जो है बेटर बोके देखने को मिल जाएगा। प्लस 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वीवो एक, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा पोको X6 के साथ, इसलिए आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा पोको X6 में। एंड सभी फोटो के साथ ऑलमोस्ट आपको जो है सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर जो वीवो है काफ़ी हद तक जो है बढ़िया जो है नेचुरल कलर के साथ फोटो क्लिक करता है, बट जो पोको X6 है कलर को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सैचुरेट कर देता है, एंड जिससे जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। एनीवे यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन के बाद हम जो है बात कर लेते हैं पोको X6 के बारे में। तो इस फोटो को हमने पोको X6 के साथ क्लिक किया है एंड देख सकते हो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर ये जो फोटो है वार्म टोन के साथ क्लिक किया है। यहाँ पर 2x जो लॉसलेस जूम है और जो सेंसर जूम का जो फीचर्स है सही तरीके से काम कर रहा है। एंड पोको X6 के साथ जो है डे लाइट में बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। इवन अगर आप प्रो मोड की यूज़ करोगे, दोनों डिवाइस के साथ ही प्रो मोड काम करता है, बट पोको X6 के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी आप जो है प्रो मोड की यूज़ कर सकते हो। एंड दोनों डिवाइस के साथ जो है डे लाइट में बढ़िया फोटो देखने को मिलेगा बेटर डिटेल्स के साथ, इवन शेडो हाईलाइट के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। एंड यहाँ पर HDR मोड भी काम कर जाएगा, तो सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो, कोई इशू वगैरह नहीं है। वीडियो की अगर बात करें तो पोको X6 के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी सही है, देख सकते हो यहाँ पर फोकस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। इवन यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया जो ब्लर वगैरह है देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, 4K 30fps का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा पोको X6 के साथ। एंड यहाँ पर वीडियो के दौरान एंड फोटो के साथ जो है कलर में जो है डिफरेंस देखने को मिलता है, चीज़ हमने नोटिस किया है एंड डेफिनेटली काफ़ी सही है। देख सकते हो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी बढ़िया देखने को मिल रहा है, जो जूम वगैरह है वो भी काफ़ी सही है, 2x जूम कर सकते हो वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए भी, आप जो है 10x जूम का जो ऑप्शन है देखने को मिलता है। ओवरऑल क्वालिटी सही है पोको X6 के साथ भी, आप जो है बढ़िया यहाँ पर फोटो एंड वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान कुछ इस तरह से कलर देखने को मिल रहा है एंड फोटो के दौरान कुछ इस तरह से कलर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फोटो वीडियो दोनों में जो कलर शिफ्ट का जो प्रॉब्लम है हमने नोटिस किया है एंड फोटो प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस तरह से है, सही है। एंड प्रो मोड के साथ अगर आप फोटो क्लिक करोगे तो आपको डेफिनेटली और बढ़िया जो है मैनुअल कंट्रोल देखने को मिलेगा। एंड हमने यहाँ पर ढेर सारी फोटो क्लिक किया है एंड डेफिनेटली पोको X6 के साथ जो है आपको बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा इस प्राइसिंग में। एंड इस फ़ोन को हमने अंडर 15 के ख़रीदा है एंड जूम वगैरह भी काफ़ी सही है, इवन वीडियो के दौरान भी काफ़ी सही तरीके से जूम जो है काम कर जाएगा। कुछ कुछ टाइम जो है यहाँ पर कलर शिफ्ट का जो इशू हमें नोटिस किया है पोको X6 के साथ, बाकी यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़िया ब्लर देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी सही है। एंड हमने यहाँ पर जो है अलग अलग जो है वीडियो को भी रिकॉर्ड किया है, इवन वीडियो के साथ भी पोको X6 के साथ जो है बढ़िया यहाँ पर ब्लर देखने को मिलेगा, फोकस के रिलेटेड कोई इशू नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। तो डेफिनेटली पोको X6 के साथ भी बढ़िया डे लाइट फोटो को जो है क्लिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं वीवो T3X डिवाइस के बारे में। तो वीवो T3X के साथ जो है आपको काफ़ी हद तक जो है बढ़िया एंड सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। सभी फोटो के साथ आपको ऑलमोस्ट सेम जो है यहाँ पर कलर प्रोफाइल देखने को मिलेगा, इवन जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी आपको सेम कलर प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, इसमें भी आपको जो है कोई भी चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलता है। हमने यहाँ पर प्रो मोड के साथ भी कुछ फोटो को क्लिक किया है एंड इसमें भी जो है बढ़िया यहाँ पर फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है, देख सकते हो। यहाँ पर दोनों डिवाइस में जो है कलर प्रोफाइल में जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा एंड ब्लर वगैरह काफ़ी सही है, इसमें भी जो है फोकस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलता है, टैप टू फोकस का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। इवन एक चीज़ नोटिस करोगे, वीवो में जो है फोटो एंड वीडियो दोनों में जो आपको सेम कलर प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमने यहाँ पर पोको X6 डिवाइस के साथ जो है नोटिस किया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर
वीडियो के दौरान कलर प्रोफाइल देखने को मिलेगा, इन फोकस के रिलेटेड कोई इशू नहीं है, इवन माइक क्वालिटी भी काफी सही है। बट मेरे को पर्सनली जो पोको X6 है इसका जो माइक है ज्यादा अच्छा लगा है, एंड वीडियो क्वालिटी भी सही है, इवन जो 10x जूम वगैरह है इसे भी हमने टेस्ट किया है, प्लस यहाँ पर जो लाइट बैलेंस वगैरह है, शेडो वगैरह है, काफी सही है। एंड यहाँ पर वीवो के साथ हमने एक चीज नोटिस किया है, वो ज्यादा जो है यहाँ पर सैचुरेट नहीं करता है फोटो को, क्योंकि पोको X6 के साथ जो है फोटो का जो कलर है बहुत ज्यादा सैचुरेट कर देता है, जो कि सही नहीं लगता है। बट वीवो जो है काफी हद तक जो है बैलेंस करके रखता है सैचुरेशन एंड कॉन्ट्रास्ट को, एंड बढ़िया सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो। इस फोटो को हमने डायरेक्ट सनलाइट में क्लिक किया है, देख सकते हो काफी बढ़िया जो है शेडो हाईलाइट के साथ यहाँ पर बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो वीवो एंड पोको डिवाइस है दोनों के साथ ही आप जो है डे लाइट में बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो, इवन डे लाइट में बढ़िया वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फोटो वीडियो दोनों में आपको जो है सेम कलर देखने को मिल जाएगा वीवो T3X के साथ, बट बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा पोको X6 में, बेटर वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगा पोको X6 के साथ। 4K 30fps का ऑप्शन है जो कि वीवो T3X के साथ सिर्फ 8GB रैम के साथ ही देखने को मिलता है। लो लाइट में वीडियो के साथ भी जो है बहुत ज्यादा नॉइज देखने को मिल जाता है। एनीवे यहाँ पर दोनों डिवाइस जो है सही फोटो क्लिक करता है, डे लाइट में वीडियो को रिकॉर्ड करता है। बाकी दोनों डिवाइस में आपको कौन सा बेटर लगा जरूर से कॉमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से जो वीवो T3X है इसमें जो है बेटर फोटो क्वालिटी, बेटर वीडियो देखने को मिल रहा है, स्पेशली सेम कलर टोन देखने को मिलता है वीवो के साथ, जो कि पोको X6 में जो है काफी हद तक सैचुरेट फोटो देखने को मिल रहा है। तो आप जरूर से जो है पोको X6 के साथ जो है प्रो मोड यूज करना, एंड यहाँ पर वीवो T3X जो है फोटो क्लिक करने के लिए एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए डे लाइट की सबसे सही है। बाकी आप बताना दोनों डिवाइस के साथ आपको कौन सा फोन का जो है फोटो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छा लगा। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।